इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। 2500 से अधिक 46 वर्ष बीत हो जाने पर तीर्थंकर श्री वीर प्रभु का परिनिर्वाण कहने पर पौष मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जब आई थी उसी समय यह संस्तुति पूरी करने की मति भाई थी करने की मति भाई थी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्वीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम ओंकारी गुरुदेव मुनि श्री प्रणम सागर जी चंद सागर जी महाराज की श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरी का देवा नरह समभवन गणनाद्य पेता शांतिनाथ की स्तुति काव्य नंबर 86 से आगे पढ़ाते हैं। अविकारी जिन रूप आपका नहीं अन्य का ऐसा रूप नहीं जानते धरती पर जो वे धरती पर भार स्वरूप कर्मों में विनय कर्म में जिनवर की पूजाओं में सभी सुधी जन शांति भक्ति को पढ़ते अंत सभाओं में जीवों के भव संकट को शांतिनाथ का नाम हरे सकल सुखों को प्राप्त कराती शांतिनाथ संस्तुति अरे पाप बहुत से नष्ट स्वयं हो शांतिनाथ की पूजन से वैभव श्री वह पाता जाता कर अर्चा विधान विधि से शांतिनाथ जिनवर के दोनों चरण कमल में नमन करे नित्य भक्ति से चरण कमल को भव्य स्वयं जो हृदय धरे आगे यह काव्य नंबर 90 जिसमें भगवान को ध्येय बनाने की भावना की जाती है। वक्त्रम सदैव शशिमंडलमोत्थितं वा वक्त्रम सदैव शशिमंडलमोत्थितं वा पादद्वयं सुफलदं खलु कल्पवृक्षम् पादद्वयं सुफलदं खलु कल्पवृक्षम्
ध्यानावधौरिधि मनः स्थिति कारणाय संसाधनं हि सुकरं च शरीरभाजं संसाधनं हि सुकरं च शरीरभाजं उठे हुए अति चंद्र बिंब के जैसा मुख का तेज सदैव श्रेष्ठ फलों को देने वाले कल्प वृक्ष समद्वय पद से ध्यान भगवान शांतिनाथ की भक्ति आज आपके लिए एक ध्येय रूप में सामने आती है। भगवान को अपना ध्येय बनाना, ध्येय समझते हैं, ध्यान का जो विषय होता है उसे ध्येय कहा जाता है। हर आत्मा कहीं ना कहीं ध्यान कर रहा होता है, किसी ना किसी का ध्यान कहीं ना कहीं लगा होता है और ध्यान हमेशा चलता ही रहता है। जो ध्यान हमारे लिए समीचीन विषयों में न लगे और जिस ध्यान से हमारे अंतस में कोई चित्त शुद्धि न हो, वह सारा ध्यान दुर्ध्यान कहलाता है, अशुभ ध्यान कहलाता है, आर्त ध्यान कहलाता है, रौद्र ध्यान कहलाता है। हर आदमी अपने अंतरंग में किसी ना किसी चीज का ध्यान कर रहा होता है। आप अपने अंतरंग से पूछना, आप यहां बैठे हैं ध्यान किसका कर रहे हैं? यहां बैठ कर के आंखें सामने रख कर के, कान इधर रख कर के भी ध्यान कहीं और भी चल सकता है, क्योंकि ध्यान का ध्येयभूत जो विषय है वह मन का विषय है, वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप यहाँ बैठे हो तो आप यहाँ तन से बैठे हो तो मन से भी बैठे हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जब ध्यान यहाँ होगा तो आप कहलाओगे यहाँ तन से भी बैठे हैं, मन से भी बैठे हैं, और जब ध्यान यहाँ पर नहीं है तो कहा जाएगा तन से आप यहाँ बैठे हो लेकिन मन से तो कहीं और हो। जैसे आप लोग देखते हैं जब घर में किसी बच्चे का दिमाग नहीं लगता पढ़ाई में, कुछ उसका दिमाग उचट जाता है, कहीं और लगता है, तो उसका दिमाग जहाँ लगता है वहीं लगता है। आप उससे कहते रहो बेटा दिमाग लगाओ, मन लगाओ, अब उसका मन जहाँ लगाए वहीं लगेगा, आपके कहने से नहीं लगेगा। वह अपना मन अगर लगाना चाहेगा तो लगा पाएगा, अगर नहीं लगाना चाहेगा तो बहुत मुश्किल है कि हम किसी से कह कह करके उसका मन कहीं लगवा पाएं, क्योंकि मन अपनी खोज स्वयं करता है। और जब मन किसी भी चीज़ से प्रभावित होता है तो उसका बार बार ध्यान उधर ही जाता है जिससे वो प्रभावित हुआ है, जो उसके मन पर बार बार आ रहा है। और इस तरह का मन जब अपने नियंत्रण में नहीं रहता तो उसी को आचार्य कहते हैं कि यह आर्त ध्यान की ओर जाने वाला मन है, क्योंकि आपका ध्येय जो है वो विशुद्ध नहीं है, आपका ध्येय जो है वो पवित्र नहीं है। अगर ध्येय राग का कारण है, राग से अन्वित है, और उस ध्येय के कारण से आपके मन में रागांश की अधिकता के कारण से आपका मन चंचल होता है, तो वह ध्यान भी आर्त ध्यान कहलाता है और वह ध्येय भी आपके लिए दुर्ध्येय बन जाता है। ध्यान तो हर समय चलता रहता है। आर्त ध्यान से जब बच पाओगे, रौद्र ध्यान से जब बच पाओगे, तब भगवान का ध्यान थोड़ा सा आएगा। धर्म ध्यान बाद में होता है, पहले तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही होता है।
या यूं कह लें कि जो सहजता में हो जाता है वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है, और जिसे करना पड़ता है वो धर्म ध्यान होता है। करना पड़ता है, धर्म ध्यान अपने आप नहीं होता, धर्म ध्यान को करने के लिए मन बनाना पड़ता है। आर्त ध्यान करने के लिए मन तैयार रहता है, संस्कारित है वो पहले से, उसके लिए उसको बनाना नहीं पड़ता, वो बना हुआ है। बनाना तो वो पड़ता है जो कुछ नया हो हमारे सामने, और जो पहले हमारे लिए न बना हुआ हो उसको बनाना पड़ता है। जो अनादिकाल से बना हुआ है उसको क्या बनाना है, वो तो हमारे सामने अपने आप तैयार होकर के बैठा है। बताओ क्या सोचना है, कहाँ जाना है, कौन सी जगह पे बैठना है, किसके बारे में सोचना है, कितनी अधिकता में सोचना है, कितनी तह में जा कर के सोचना है, वो सब तैयार बैठा है और सब सोचता रहता है। और इस तरह का मन धर्म ध्यान में कभी भी लग नहीं सकता। इस तरह के मन को धर्म ध्यान में लगाने के लिए हमें अपने ध्येय को बदलना होगा, कि ध्येय का मतलब है कि हमारा मन बार बार कहाँ टिक रहा है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ प्रवचन सुनने आए हैं तो आप प्रवचन ही सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ शांतिनाथ भगवान का यह काव्य स्तोत्र श्रवण कर रहे हैं तो आप शांतिनाथ भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं। किसी का भी ध्यान कर सकते हैं, आपके ध्यान को शांतिनाथ भगवान ही जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। आपके ध्यान की महिमा विचित्र होती है, और उस विचित्रता के कारण से ही वह भीतर की मायाचारी ग्रहण करने में आती है, पकड़ने में आती है कि हाँ मन कहीं है, तन कहीं है, दृष्टि कहीं है, और ध्येय हमारा कुछ और है। इस तरह से जो ये मन की विचित्रताएं होती हैं ये भी एक मायाचार में आता है। सुन रहे हो, यहां बैठे बैठे भी मायाचार हो सकता है। मायाचार करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दुकान पर ही बैठना पड़े, मंदिर में बैठ करके भी मायाचार हो सकता है। और इस तरह का मायाचार कुछ ज्यादा लोग किया करते हैं, क्योंकि इस तरह के मायाचार में प्रवृत्ति करना आसान होता है, और बहुत से लोगों के लिए ये भी दिखाना होता है कि देखो केवल तुम ही धार्मिक नहीं हो, हम भी धार्मिक हैं, केवल तुम ही प्रवचन सुनने नहीं आते हो, हम भी सुनने आते हैं। यह भी एक मायाचार का रूप बन सकता है। अगर हमारा मन वास्तव में केवल प्रवचन श्रवण में लग रहा है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मंगलाचार है, वो मायाचार नहीं है, वो क्या है, मंगलाचार है। हमारी आत्मा में निरंतर मंगल हो रहा है, मंगल आचरण हमारा चल रहा है, ये मंगलाचार है। और अगर हमारा मन कहीं और है, तन से यहां बैठे हैं, तो यह मायाचार है। ये आपके ऊपर है कि करना क्या है आपको, मायाचार करना है कि मंगलाचार करना है। मायाचार करना ये हमारा स्वभाव बना रह सकता है, इसीलिए आचार्यों ने कहा ध्येय को देखो, हम किसके बारे में ध्यान कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या है। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर होगा तब हमारे ध्यान में पवित्रता आएगी। शुभ ध्यान, मंगल ध्यान, पुण्यवर्धक ध्यान, चित्त पवित्र करने वाला ध्यान, पुण्य बंध को बढ़ाने वाला ध्यान, कर्म निर्जरा करने वाला ध्यान, ये सारे ध्यान तब आते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन प्योर हो। इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। लोग सीधे सीधे ध्यान करने बैठते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऐसे ध्यान में बैठे रहते हैं जैसे पता नहीं कितना मगन हो गए हैं, और उस ध्यान में बैठे बैठे कुछ भी उनके अंदर इतनी लीनता भी आती है कि उन्हें खुद पता नहीं होता कि इस ध्यान के माध्यम से हम कितनी गहराई में पहुंच गए, लेकिन उनके पास में उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। हमारे ध्यान का विषय
ध्येय जिसे हम कहते हैं, यह जब हमारे सामने शुद्ध हो, पवित्र हो, तो हमारी आत्मा में भी उस ध्यान से पवित्रता आएगी। आप विचार करें, अगर आप किसी से राग के साथ में या द्वेष के साथ में किसी का चिंतन कर रहे हैं, तो ये ध्यान आपके अंदर जो चल रहा है, ये ध्यान आपका धर्म ध्यान नहीं हो सकता। किससे राग? अपने संसारी जीवों से राग, अपने रिश्तेदारों से राग, अपने मिलने जुलने वालों से राग या द्वेष। ये राग और द्वेष के साथ जब तक हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, तब तक वह ध्यान हमारे लिए पवित्र नहीं हो सकता, वो हमारे चित्त को शुद्ध नहीं बनाएगा, मंगल नहीं करेगा, वो अमंगल करने वाला हो जाएगा। आप देखें कि अगर आपका चित्त किसी से रागान्वित होकर के जुड़ रहा है, आप उसी का हमेशा स्मरण कर रहे हैं, आपके मन में वही वही व्यक्ति छाया हुआ है, आपको और किसी के बारे में जानने की कोई भी आपके अंदर जिज्ञासा नहीं हो रही है, तो ये सारा का सारा आपका परिणाम आपके लिए एक अमंगल पैदा कर रहा है। वर्तमान का ये जो आपका टाइम उसमें गुजर रहा है, ये आप मान के चलें कि इससे आपके अंदर निरंतर पाप का बंद हो रहा है, अमंगल हो रहा है, और इसी अमंगल से आपके लिए आगे भी अच्छा होने वाला नहीं है, आगे भी आपके लिए अमंगल ही होगा। आगे का मतलब निकट भविष्य में, क्योंकि व्यक्ति जब किसी भी व्यक्ति से रागान्वित होकर के या द्वेषान्वित होकर के उसके बारे में स्मरण करता है, तो फिर वह कुछ भी हित अहित कुछ नहीं देखता है, उसे तो जो मन में आ रहा है, जो अच्छा जच रहा है, बस उसके बारे में वो सोचे जा रहा है। आप देखें कि ऐसा आर्थ ध्यान कितना सहज होता है, कितना सहज होता है। किसी का किसी से प्रेम हो जाता है तो आप देखें कि कितनी जल्दी, कितनी सहजता से वो आर्थ ध्यान चलता रहता है, हमेशा उसी का स्मरण रहेगा, हमेशा दिमाग में उसी की बात छाई रहेगी, हमेशा दिमाग में उसी का विचार चलता रहेगा, और उसी के कारण से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वह अपने ध्यान में ऐसा मगन रहेगा कि ना उसे कोई दुकानदारी अच्छी लगेगी, ना ग्राहकी अच्छी लगेगी, ना उसे मंदिर अच्छा लगेगा, ना उसे घर अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लग रहा है? जिससे मिलना है, जिससे बातचीत करना है, जिससे राग हो रहा है, जिससे प्रेम हो रहा है, बस उसी का ध्यान रहेगा उसे। ये एक समय आता है आर्थ ध्यान करने का भी जीवन में, सबके जीवन में आता है, नहीं समझे? कभी कभी वो समय से पहले भी होने लग जाता है, समय पर आता है तो समय पे चला भी जाता है, और समय से पहले आता है तो फिर समय के बाद भी चलता रहता है, नहीं समझे? बोला तो करो, समझते हो कि नहीं? जब समय पर आएगा तो समय पर निकल जाएगा। माने एक उम्र होती है, एक उम्र के समय जब व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है, उसका विवाह होता है, उसे किसी दूसरे संबंध की आवश्यकता होती है, तो वो समय पर होगा, कुछ समय के बाद धीरे धीरे शांत हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन जो समय से पहले हो गया, वो समय के बाद तक भी उसके लिए दुख देता रहेगा। यह आर्थ ध्यान होना स्वाभाविक है, इतना सहज है कि इसके लिए उपदेश देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो सभी स्कूल, सभी कॉलेज, सभी स्थान भरे पड़े हैं। केवल धर्म ध्यान करने के लिए ये अलग से स्कूल चलाने पड़ते हैं। रोजाना एक घंटे की जो स्कूल चलती है आप लोगों की, ये धर्म ध्यान कराने के लिए चलानी पड़ती है। ये स्कूल ही चल रही है, सुन रहे हो? कब से चल रही है? 3 महीने पूरे हो चुके हैं, 3 महीना 10 दिन। आज ही सुबह सुबह किसी ने बताया आज 101वां दिन है, ऐसे लोग दिन भी गिन रहे हैं। समझ आ रहा है? मतलब 100 दिन की स्कूल आपकी पूरी हो गई। क्या समझ आ रहा है? चातुर्मास देखा जाए तो 100 दिन का ही होता है।
सौ दिन की स्कूल पूरी हो गई, दो चार दिन, अब चूंकि महीने में कुछ तिथियां कम हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, दो चार दिन आगे पीछे हो जाता है, वो आगे आने वाला है, दो चार दिन में वो भी पूरा होने वाला है। स्कूल आपकी जो चल रही है ये किसके लिए चल रही है? ये धर्म ध्यान को सिखाने के लिए चल रही है। ये निरंतर जो स्कूल चल रही है इससे आपके ध्येय को, ऑब्जेक्ट को, जो आपका थिंकिंग का ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करने के लिए चल रही है। ऐसे इस ध्येय के विषय में जब हमारा चिंतन जाता है तब हमारे मन में विचार आ सकता है कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं। या तो जिससे हमें घृणा हुई है हम उसके बारे में सोच रहे हैं, जो हमारे लिए बुरा कर रहा है, द्वेष कर रहा है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, या तो दिमाग में वही वही छाया रहता है। अथवा जिससे हमारा अत्यधिक स्नेह होता है, राग होता है, हमारे दिमाग में वो छाया रहता है। ये राग और द्वेष के परिणाम, इष्ट के संयोग, इष्ट के वियोग, अनिष्ट के संयोग, ये तमाम तरह के जो हमारे अंदर परिणाम चलते हैं ये सब आर्थ ध्यान के परिणाम बने रहते हैं। क्या कहलाते हैं ये? आर्थ ध्यान। आर्थ माने दुख, आर्थ माने क्या होता है? दुख। जिस समय पर आपको ये ध्यान चल रहा है आपको पता भी नहीं होता कि आप दुख कर रहे हैं कि सुख कर रहे हैं, नहीं समझे? जिस समय पर ये ध्यान चल रहा है भीतर से दुख है, विकलता है, भीतर से एक अलग तरह की बेचैनी है, आकुलता है, दुख है, लेकिन फिर भी उसी दुख में डूबने का मन होता है, नहीं समझे? हाँ महाराज, कभी कभी दुख भी बहुत अच्छा लगता है। जब आदमी को दुख अच्छा लगता है तो वो चाहता है कि हाँ बस मैं दुख ही बना रहा हूं, उसी दुख में ही डूबने का मन होता है। ये भी एक आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है, या यूं कहें उसके अंदर संस्कारों की, एक पुराने संस्कारों की बलवत्ता है जिसके कारण से वो सुखी होना ही नहीं चाहता। क्या चाहता है? दुखी आदमी को दुख ही अच्छा लगने लग जाता है। वह चाहता है कि मुझे लोग और दुखी बनाएं, और उस दुख से उसे अच्छा लगता है कि हां ठीक है, दुख की बातें करें, दुखी बनाएं तो उसको अच्छा लगता है। जब वो दुख में डूबना चाहता है तो उसे दुख ही अच्छा लगने लग जाता है, और ये तीव्रता का दुख जो भीतर से अच्छा लगता है इसी को आचार्य आर्थ ध्यान कह रहे हैं। आप देखना, कभी कभी आपको भी महसूस हुआ होगा, होता होगा, होता है, जब घर में कुछ बिगड़ जाता है, कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आ जाता है, और जब आपके लिए कोई नुकसान हो जाता है, जब आपके सामने से कोई आपके लिए बुरा कर जाता है, तो आपके लिए मन करता है कि देखो हमने कितना अच्छा सोचा था, कितना अच्छा इसके लिए किया था, लेकिन ये हमारे लिए बुरा कर गया। आपका मन जब दुखी होता है तो फिर आपका मन करता है कि नहीं, अब हम उस दुख को बार बार कुरे दें, बार बार उस दुख को हम ध्यान में लाएं। तो आदमी उस दुख को ही और कुरेदने के लिए उपाय खोजता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, दुख को बढ़ाने का उपाय करता है, सुख को बढ़ाने का उपाय नहीं करता। कई बार ये मानसिकता बन जाती है आदमी की कि वह दुखी रहने में ही वह अपने आप को अच्छा समझने लग जाता है, और उसे लगता है जब भी मैं किसी के सामने जाऊं या कोई मेरे सामने आए तो वह मुझे दुखी ही देखे और वो भी दुखी हो, ऐसी एक मानसिकता बनने लग जाती है। कब? जब हम दुख में निरंतर अपने आप को दुखी करते रहते हैं। किसी का वियोग हो जाता है, अपने इष्ट का वियोग हो जाता है, तो निरंतर मन में बार बार उसके दुख का भाव जो कुरेद कुरेद करके उत्पन्न होता रहता है वह हम खुद ब खुद करते रहते हैं, और उसी के कारण से हमारा वह दुख बढ़ता रहता है।
हम चाहें तो उस दुख से अपने आप को उबार सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो दुख ही हमारे ऊपर हावी होता रहता है। जब किसी के घर में कोई वियोग हो जाता है तो एक सामाजिक परंपरा चलती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या होता है? बैठने जाते हैं। ये सही शब्द बोला गया है, बैठने जाते हैं। क्या बोलते हैं? लुड़ाने जाते हैं, रुलाने जाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ये बात सही है, समझ आ रहा है ना। मतलब बैठने जाते हैं, क्या करने जाते हैं? रुलाने जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आप देखें कि जब किसी के घर पर किसी का वियोग हो जाता है तो लोग उसके पास पहुंचते हैं 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, और ये रेला लगा रहता है। कब तक? जब तक 13वां दिन ना आ जाए। समझ आ रहा है? माने 13 दिन तक तो उसे शोक में डुबोए रखना है। इसी का नाम है शोर सूतक। क्या बोलते हो? हाँ, सूतक। ये अपने आप में सूतक कहो, पातक कहो, जो कुछ भी कहो, ये दुख के दिन 13 दिन के अंदर वह दुख से उबर जाए, ये भी बड़ी बात है। अगर उसके दुख को बढ़ाते रहने के लिए आप लोग निरंतर उसके यहां बैठक करते रहें, निरंतर उसके पास में जाते रहें, तो वह आदमी अपने आप में दुखी 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 हो करके थक जाता है। कब तक रोए? आंखों में आंसू भी तो बचने चाहिए। कई बार इसलिए भी रोना पड़ता है कि आप पहुंच गए, क्यों आ गए उसे पता है। अब उसके घर में जो भी आएगा वो समझता है किस लिए आए, हमें दुखी देखने के लिए आए। नहीं समझे? अब ये देखो कितनी बड़ी मजबूरी है उसकी, कि वो अगर चाहे कि हम सुखी रहें, सुखी बैठे हुए दिखाई दें, तो वो बैठ नहीं सकता। नहीं तो आप दुनिया में ढिंढोरा पीट दोगे, अरे अरे हम तो उसके घर गए थे, उसे तो कुछ मलाली नहीं है, उसे तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो अपना हंस रहा था, खेल रहा था, टीवी देख रहा था, हमारा तो जाना ही बेकार हो गया। आपका जाना कब सार्थक हो? जब आपके पहुंचने पर वो भभकने लग जाए, है ना, बिलाप करने लग जाए, और ज्यादा आपके मतलब जो है कारण से वो दुखी होने लग जाए, तब आपको लगे हाँ हमारा आना सार्थक होगा। देखो मानसिकता देखो आदमी की। अगर आपके जाने के बाद उसे कुछ नहीं हो रहा है तो आपको लगेगा मैं एक बार भूल से आ गया, अब दोबारा कभी नहीं आने का तेरे घर में। सोचो कि हम दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं, और हम दूसरों के लिए किस तरह की सामाजिकता का परंपरा का निर्वाह करने के लिए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया इसलिए थी कि वास्तव में अगर किसी व्यक्ति के अंदर दुख आया हो तो आप उसे थोड़ा सा संबोधन दें, समझाने जाएं, उसको थोड़ा सा ढाढ़स बधाएं, उसको कोई इष्ट वियोग हो गया है तो उसे आप उसे समझाएं, किसी भी तरह से संबोधन दें, ये उसके पीछे का शायद ध्येय हुआ करता होगा, मेरा ऐसा सोचना है। समझ आ रहा है? लेकिन अक्सर यही होता है, परंपराओं में उद्देश्य तो छूट जाते हैं, परंपराएं खोखली रह जाती हैं। जो उद्देश्य होते हैं वो तो छूट ही जाते हैं, वो तो हमें ध्यान ही नहीं रहते। अब क्या रह गया? बस एक ट्रेंड बन गया, भैया उसके यहां गमी हो गई, माने अब हमें भी उसके यहां बैठने जाना है, माने गम देने उसको जाना है, दम देने उसको। वो वैसे ही गम में है, अब आपका बैठना उसके लिए अगर गम को बढ़ाने वाला है तो आपको वहां बैठने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये आपकी समझदारी होनी चाहिए। कभी आप सोचते हो
कि हम थोड़ा सा किसी के बारे में सोच तो लें, जिसके यहां गमी हो गई है उसके यहां हम थोड़ा सा पूछताछ तो कर लें कि भाई उसे कितना गहरा शौक लगा है, कितना गहरा उसके लिए धक्का लगा है, कि कुछ नहीं भी है, कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कोई आवश्यकता हो तो जाया जाए, उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कुछ निर्वाह किया जाए तो ठीक लगता है, और बिना उद्देश्य के तो बनता ही नहीं है, और ना बने तो हो सकता है कि सामने वाला भी देखता रहता हो, देखो तुम्हारे घर में नहीं आए, बैठने नहीं आए, हम तुम्हारे घर में गए थे, तुम्हारे घर में नहीं आए, ये भी एक आफत है। नहीं समझे? जैसे किसी विवाह आदि के उत्सव पर सबके अटेंडेंस देखी जाती है, कौन आया कौन नहीं गया, ऐसे ही ऐसे प्रसंगों पर भी अटेंडेंस शायद देखी जाती होगी कौन आया कौन नहीं आया। आपको हमारे घर में ऐसा दुख हो गया, इतना बड़ा गम हो गया, और फिर भी आपको कोई भाव नहीं आया, आप उस समय पर नहीं आए, मतलब आपको उससे कोई दुख नहीं हुआ, ये भी एक समस्या है। तो आदमी कुल मिला करके सामाजिक प्राणी होने के नाते समस्या में फंसा हुआ है, कुल मिलाकर के यूं समझ लो कि वो आर्थ ध्यान में फंसा हुआ है। आर्थ ध्यान करने को मजबूर भी है और दूसरों को मजबूर भी करता है। ये दूसरे के अंदर दुख उत्पन्न होना, दूसरे के दुख को कुरेदना, ये कब तक चलता है? ये एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक अधिक से अधिक होना चाहिए। बाकी के 13 दिन तो इसलिए नहीं होते कि जब जब आप जाओ वो रोने बैठ जाए, वो समझाने के दिन होते हैं। ऐसी जगहों पर पहुंच करके आपको यह भी भाव आना चाहिए कि हम ऐसी जगहों पर पहुंच करके उनको कुछ, अगर वास्तव में दुख है तो हम उनको कुछ बोलें, कुछ संबोधन दें, और अगर दुख नहीं है तो हम सामान्य से बस अपनी उपस्थिति देकर के जल्दी से जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करें। हमारे कारण से वो दुखी ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? आप लोगों को सब अनुभूत तो होगा। अच्छा बताओ, अगर आपके घर में कोई ऐसा हो जाता है तो आपको जबरदस्ती कई बार रोना तो पड़ता होगा, ये तो फैक्ट है, समझ आ रहा है? अब आपको घर के काम भी करने पड़ते होंगे, हैं? देखो महिलाएं कह रही हैं आजकल कोई नहीं रोता रोता नहीं है तो फिर ये बैठक क्यों चलती रहती है, बैठने क्यों जाते हैं, सांत्वना देने, व्यवहार निभाने के लिए जाते कह रहे हैं, जाना पड़ता है, क्या कह रहे हो? वहां जाकर के आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के परिणामों में शांति आए, समझ आ रहा है? आपके माध्यम से अगर उसके परिणाम शांत बनेंगे तो आपका जाना सार्थक कहलाएगा, उसके आर्थ ध्यान में कमी आनी चाहिए, न कि उसका आर्थ ध्यान बढ़ना चाहिए। आर्थ ध्यान अगर बढ़ता चला जाएगा तो आचार्य कहते हैं उसके लिए असाता कर्म का बंद, असाता वेदनी बढ़ता चला जाएगा, असाता उसके अंदर उत्पन्न होने लग जाएगी, उस दुख से उसके अंदर और भी तरह के दुख उत्पन्न होंगे, रोग उत्पन्न होंगे, और इस तरह से उसका दुर्ध्यान निरंतर बना रहेगा। ऐसे समय पर आवश्यकता होती है, ऐसे वैराग्य परक कोई शास्त्र होते हैं जिनका वाचन वहां के लोगों को करने के लिए अपना एक समय नियुक्त कर लेना चाहिए, या वहां पर जब बैठने लोग आए तो उनके लिए भी एक समय नियुक्त कर लेना चाहिए कि भाई दिन भर नहीं आना, 3 से 4 के टाइम पर आना, समझ आ रहा ना? और उस समय वो क्या करे, घर के जो दूसरे लोग हों वो वहां पर शास्त्र खोल करके बैठ जाएं, तो जो आने वाला है वो आकर के देखेगा भाई यहां क्या हो रहा है, यहां तो स्वाध्याय हो रहा है, शास्त्र बांचा जा रहा है, तो अब आया है तो 2 मिनट बैठेगा तो है, तो 10 मिनट वो भी सुन लेगा, वो भी देख लेगा, इधर उधर देखेगा, कोई तो रो नहीं रहा, कोई तो कुछ कर नहीं रहा, वो 10-15 मिनट बैठ करके जो थोड़ा बहुत सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो कम से कम चुपचाप उठ के
चला जाएगा तो उसके कारण से उसे रोना नहीं पड़ेगा, दुख नहीं होगा। अगर मेरी ये व्यवस्था आपको अच्छी लगे तो ऐसी व्यवस्था अपना लेना आप। हाँ, विनती पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र स्वाध्याय करें, जैसे 12 अनुप्रेक्षा के स्वाध्याय होते हैं, 12 भावना होती है, या बारसाणु वेखा नाम का एक शास्त्र है, समझ आ रहा है, उस पर अच्छे मतलब प्रवचन है और वो अच्छा शास्त्र बना हुआ है, अनित्य भावना, असरण भावना, इसी तरह के शास्त्रों का वाचन चले और समय नियुक्त रहे कि हाँ भाई आपको दिन भर में कभी आके नहीं धमक जाना, मुझे भोजन बनाने का टाइम है, आप आकर के बैठ गए, मैं भोजन बनाऊंगी, रहूंगा आपके सामने। श्री जिन वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जन मन हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई, सासद मोख पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।